बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर से कामयाब करे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से गाकर चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने MSc प्राइवेट एडमिशन जो है वो ओपन कर दिए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान थे कि हम लोगों ने MSc में एडमिशन लेना है, क्या इस साल MSc होगी कि नहीं होगी। तो इस साल MSc होगी और इसके अंदर आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूँ। तो काइंडली जो व्यूअर्स इस चैनल के ऊपर न्यू है और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के ऊपर आने वाली तमाम एजुकेशन एंड जॉब से रिलेटेड अपडेट्स जो भी हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताऊँ कि आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह अप्लाई करना है MSc के अंदर प्राइवेट एडमिशन लेने के लिए। तो आपको बताऊँ कि आप लोगों ने गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्च बार में जाकर यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने एग्ज़ाम्स। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, एग्ज़ाम्स यहाँ पर आप लोग लिखें एग्ज़ाम, थोड़ा सा ना ये देखें exams.pu.edu.pk यहाँ पर आप लोग लिखें और लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको एंटर कर दें। ये लें, तो यहाँ पर देखें पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपका ओपन हो चुका है। इस टाइम आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये देखें यूज़र नेम CNIC, ये सारा जो है आप लोगों को डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने इसको किस तरह फिल करना है ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये देखें यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC नंबर डालना है और नीचे आप लोगों ने अपना पासवर्ड वगैरह डालना है। अब ये किस वक्त मुमकिन होगा, जब आप लोगों ने, अब जो BA BSc के प्राइवेट स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना पहले जो था अपना एडमिशन भेजा था ना BA BSc का, अब उन्होंने जहाँ से एडमिशन भेजा था ना, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पर पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या था, ये आप लोगों ने जब एडमिशन भेजा था BA BSc का तब आपको पता होगा ये पासवर्ड क्या था। कोई बात नहीं, अगर भूल गए हैं तो मैं इसको बताता हूँ इसको रिकवर कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पर, अब प्राइवेट कैंडिडेट्स है ना, आप प्राइवेट, ये यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट्स पे आप लोगों ने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने साइन अप फॉर, ये देखें फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड करें तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड हो जाएगा। आप लोग ये देखें अपना CNIC डालें, अपनी email ID जो आप लोगों ने उस वक्त डाली थी एडमिशन के लिए वो डालें, सिक्योरिटी क्वेश्चन था आंसर ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चन ये डालें, सबमिट करें तो वो पासवर्ड जो है रीसेट हो जाएगा। अगर इसके अलावा फिर भी नहीं काम बनता फिर मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। नया तरीका क्या करना, आपने साइन अप फॉर न्यू अकाउंट, अपना न्यू अकाउंट चुप करके बना लेना। लो जी, न्यू अकाउंट के लिए अपना नेम, CNIC पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, email ID, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चन करके साइन अप करेंगे तो आप लोग ओपन कर लेंगे। अब इसका क्राइटेरिया मैं बताने लगा हूँ कि आप लोगों का, हम लोग बात कर रहे हैं MA MSc की। ये लें, ये आ गया नीचे MA MSc पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2021। ये देखें 6315 रुपये फीस है और साथ ही साथ यहाँ पर 7360 रुपये फीस है। एक MA की है पहली वाली और दूसरी MSc की है। उसके बाद स्टार्ट डेट, ये एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं जी 11/3/2021 से और इनकी आखिरी जो डेट है एंड डेट, यानी कि एडमिशन कब के ओपन हुए हुए हैं, एंड डेट जो है वो 16 है, यानी कि आज आपको पता है कि 14 तारीख है तो 16 तक लास्ट डेट है इसकी। तो आप लोगों के पास टाइम कम ही है, जल्दी अप्लाई कर लें। उसके बाद MA MSc पार्ट 2 की भी तो ना यही डेट है कि 11 से एडमिशन ओपन है और ये 16 को क्लोज़ हो जाएंगे। ये 6315 MA की है पार्ट 2 की और 7360 रुपये पार्ट 2 की है, ठीक है। ये यानी कि MA की है पहली वाली और दूसरी MSc की है, पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ दोनों। तो ये इसका क्राइटेरिया है। अब अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया, ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना लॉगिन लगाना है। लॉगिन लगाने के बाद आप लोग यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर आपको मैं बैक करके दिखाता हूँ ये सारा क्राइटेरिया करने के बाद। इसको बैक करें, बैक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ, सॉरी वो बैक हो गया। ये इसको ओपन किया, ये देखें अब यहाँ पर आपका ID कार्ड नंबर डलेगा और यहाँ पर पासवर्ड डलेगा। तो बड़ा स्टूडेंट, ये इसका क्राइटेरिया था, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। बाकी अगर कोई बच्चा अप्लाई करे उसको कोई मसला हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लें। बाकी ये किसी का अगर ID कार्ड यहाँ पर डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, यानी जिस बच्चे का बना होगा अकाउंट, तो इसको मैं लॉगिन करके इसका फॉर्म जो है वो भी मैं फ़िल करके आपको बता सकता हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट में कहेंगे कि सर हमें जो है ये फ़िल कर देंगे, ये किस तरह आपने अप्लाई करना, बाकी सारा मैंने मेथड बता दिया, फ़ीस कितनी होगी, कैसे अप्लाई करना, क्योंकि आगे आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको किसी के सामने हाईलाइट करूँ। बहरहाल आप लोग उसको खुद फिल करें, खुद फिल करके आप लोग उसको सबमिट करवा दें, ठीक है। अगर आप मुझे कहेंगे या मुझे कोई बच्चा परमिशन देगा कि सर आप जो हैं उसको इन्फॉर्मेशन में यूज़ कर लें या उसको आप हाइड कर दीजिएगा, तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। अगर आप लोग कहें कमेंट में आप मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को ये फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा ना दिखाया जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और अब माशाल्लाह आप लोग खुश भी होंगे, आप लोग
आपका रिजल्ट भी आ चुका है और आप लोग पास भी हो चुके होंगे और एम ए एम एस सी के लिए आप लोग प्राइवेट जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ साथ एम ए एम एस सी रेगुलर वाले स्टूडेंट जो हैं वो परेशान थे कि यार हमें ये बताएं कि हमारा एडमिशन कब ओपन होंगे रेगुलर के। तो रेगुलर के भी एडमिशन जो हैं वो एक्सपेक्टेड आपको बता देता हूँ कि अगस्त के अंदर जो है, अगस्त के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में यूनिवर्सिटी उसको ओपन कर देगी, लेकिन मैं आपको कंफर्म नहीं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड कहा मैंने। तो बाकी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, प्राइवेट कैंडिडेट्स अप्लाई करें अपना। किसी बच्चे को कोई मसला हो किसी भी किस्म का तो वो मुझे कमेंट में बताए, तो उसका जो मसला है फिर उसको इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।